बहुत ही प्यारा सा पोमरेनियन पप्पी है, इसको दिल्ली घूमने का मन है, तो ये दिल्ली जाएगा अपने न्यू ऑनर के पास। अभी दोस्तों हम बताएंगे कि ठंड के मौसम में हम लोग दिल्ली कैसे डॉग को ले जाते हैं। तो हमारी मम्मी है, देखिए कि इसको तैयार कर दिया किस तरीके से। देखिए इसको टी शर्ट पहना दी है, टोपी डाल दी है, बोले कि इस तरीके से ये ठंड में सफर करेगी, ट्रेन में जाए या बस में जाए। तो अभी सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए एक डोलची है। पहले तो बहुत चलता था ये डोलची, इसको लोग जो भी कहते होंगे, तो अब इस तरीके का डोलची मिल नहीं रहा है। देखिए इसी में हम इसको डालेंगे। देखिए डालिए तो मम्मी इसको इसमें, देखिए अभी हम इसको अभी इसको इस तरीके से हम लोग डालेंगे बैग को कैसे भी करके, ताकि ये एडजस्ट कर ले। इसमें डालिए, देखिए प्यारा सा डॉग इसमें जाएगा और आराम से इसमें सोएगा। देखिए कितना मस्ती से सो रहा है, देखिए बहुत ही प्यारा सा डॉग है हमारा। और इसको ये सब खोल देंगे, अभी पहली बार पहनाए हैं तो इसके वजह से इसको लग रहा है कि क्या ये सब हो रहा है हमारे साथ। देखिए चलिए अभी हम इसको खोल दे रहे हैं। टोपी ये रह गया इसका, टोपी और इसका शर्ट खोल देते हैं। देखिए शर्ट भी खोल दिए, तो अब ये हो गया हमारा। बहुत ही ऐसा लग रहा है कि ये आइसक्रीम का जो ऊपर वाला होता है कैप, वो है एकदम व्हाइट व्हाइट, बहुत ही मस्त। देखिए मम्मी के साथ ये कितना खेल रहा है। देखिए अभी ये क्या हुआ कि बहुत ज्यादा व्हाइट था, लेकिन जैसे ही घर में लाए हैं तो घर में चूल्हा होता है जो लकड़ी पे खाना बनाते हैं, तो उसी के अंदर ये घुस गया, पूरा काला हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, अभी देख सकते हो फिर भी बहुत मस्त दिख रहा होगा आप लोग को। नीचे रखेंगे तो देखिए कितना खेलेगा। आजा इधर, मेरी वाइफ के पास ये गया है और कितना ये एक्टिव है, देखिए कैसे खेल रहा है। उसे उधर से दिखाइए, इसको धूप में अभी खेलने का मन है। देखिए दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि लोग बहुत ही छोटा पप्पी ले जाते हैं कहीं भी, तो उसके वजह से क्या होता है कि मरने का भी डर होता है और बहुत सारी बीमारियां भी उसको हो जाती हैं। तो अगर आप लोग इतना बड़ा पप्पी, कम से कम जो आपको साइज दिखाई पड़ रहा है, इतना बड़ा पप्पी अगर ये कहीं भी जाएगा तो आसानी से अडॉप्टेड हो जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं, कोई बीमारी जल्दी नहीं होगा और वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम हमारे पास। देखिए एक और चीज है यहाँ पे, देखिए ये क्या है आप लोग बताइए दोस्तों। ये है गिनी पिग, जिसको लोग चूहा भी बोलते हैं, बिलेती चूहा। देखिए इसको यहाँ पे डाल रहे हैं तो सब क्या कर रहा है, देखिए गिनी पिग है, गिनी पिग सब। अब देखिए दोस्तों यहीं पे है, अब इसको रात भर के लिए कैसे स्टे करना है, देखिए इसी में जाएगा सब कुछ। ऐसा कोई एक छोटा सा है, खेलता कूदता जाएगा, लेकिन इसमें बंद कर दिया जाएगा खाना खिलाने के बाद। कुछ देर तो दिक्कत होगा लेकिन फिर भी ये मैनेज कर लेगा। देखिए इसमें जाने के बाद ये आसानी से सो रहा है, कोई दिक्कत इसको नहीं हो रहा है। तो ऐसे ले जाने के बाद बंद कर दिया जाएगा और हम लोग साथ में क्या करते हैं वो देखिए। अब बहुत बार क्या होता है कि पप्पी जैसे कहीं पे जाता है, बस में हो या ट्रेन में हो, कहीं भी जाएगा ना, तो उल्टी बहुत ज्यादा ये करता है, तो उसके बस इसको लाइट खाना, हल्का खाना दिया जाता है। तो जैसे कि दही आप लोग दे सकते हो ले जाते समय, और रास्ते में भी हल्का हल्का सा दही और कभी कभी पानी पिलाते ले जाइएगा, तो इसको दिक्कत नहीं होगा और ज्यादा उल्टी भी नहीं करेगा। तो इस प्रकार से इतना प्यारा सा पप्पी है, और जिनके भी घर ये जा रहा है बहुत ही ज्यादा उनको खुशियां देगा और एक प्यारा सा फैमिली मेंबर बन के रहेगा उनके यहाँ। तो चलिए ये प्यारा सा पप्पी यहाँ पे आ गया, और हम लोग दोस्तों ऐसे ही मिलते हैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस में, जिसमें हम आपको डॉग के बारे में बहुत सारी चीजें बतलाते रहेंगे। और अगर आपको डॉग से रिलेटेड या कोई और जानवर के रिलेटेड वीडियो चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो पेज को फॉलो कर लीजिए, ऊपर फॉलो होगा, फॉलो करने का एक भी रुपया नहीं लगता है। और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने का भी एक रुपया नहीं लगता है दोस्तों। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।